दोस्तों, अभी आप जो इन दो छोटी छोटी बच्चियों को देख रहे हो और जरा इनके चेहरे से जो मासूमियत टपकती हुई नजर आ रही है उसे देखिए। एक के माथे पर टीका तो दूसरी की प्यारी प्यारी आंखों ने सबका दुलार लूट लिया। लेकिन दरअसल इन बच्चियों के साथ ऐसी घटना घटी कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक्चुअली यह दोनों लड़कियां हरियाणा के अम्बाला की रहने वाली है। सूट वाली लड़की का नाम मोंगिता है, उम्र 11 साल है, तो दूसरी का नाम अमायरा है, यह मात्र 6 साल की है। इन दोनों बच्ची के घर वाले 31 जुलाई के दिन थोड़े ही समय के लिए घर से बाहर निकले। वापस लौटने पर बच्ची की किलकारी आना बंद हो गया। बच्चों का हंसना, खेलना, मस्ती करना सब कुछ बंद हो चुका था। आखिर अचानक से कहां गायब हो गई ये बच्चियां? आखिर आसमान खा गया या जमीन निकल गई? ऐसी घटना घटी कि सभी गांव वाले के होश उड़ गए। इंसानियत पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। बच्चों के भाई ने बताया कि जब वो घर पर वापस लौटा तो दुनिया उजड़ चुकी थी। आखिर उन पलों में क्या हुआ था कि पूरे परिवार की मानो जिंदगी खत्म हो गई। जो परिवार अपना नॉर्मल वाला दिनचर्या जी रहा था, सीधा साधा परिवार, फैक्ट्री में मजदूरी करता पिता और हलवाई का भी काम करते थे, तो 31 जुलाई के दिन सोनू अपने बेटे सौरभ को काम पर साथ ही ले गए। लेकिन सौरभ का फोन घर पर ही रह गया था, इसलिए वह घर लौट कर गया। जैसे ही घर में घुसता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि दोनों बहनों के गले कटे हुए हैं, उनके मुंह से खून निकल रहा था। जब भाई ने इसकी खबर पिता को दिया, जब वह घर पर आकर बेटियों की ऐसी हालत देखी तो उनकी सांसें नहीं चल रही थी। इन छोटी छोटी बच्चियों की ऐसी हालत देख कर परिवार वालों का रो रो कर हालत बहुत खराब हो गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि 31 जुलाई की सुबह मोहल्ले का शराबी पैसे मांगने के लिए घर पर आया था और झूठे इल्जाम लगा रहा था पैसे लेने का। उसी दौरान शराबी बच्ची के परिवार वालों के साथ गाली गलौज भी की और फिर दोनों के बीच थोड़ी बहस हो गई। परिवार वालों ने हत्या का इल्जाम उस पर ही लगाया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इतनी सी छोटी बात के लिए कोई इन दो मासूम की जान ले लेगा? कमेंट में अपना राय जरूर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना।